नमस्कार दोस्तों, आशा वेल्थ के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे एक SME IPO डायनामिक केबल्स लिमिटेड के बारे में। इस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस जयपुर में है और इसके IPO रजिस्ट्रार्स होंगे बिग शेयर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मुंबई। कंपनी का इशू कल 4 दिसंबर 2017 को खुलेगा और 6 दिसंबर 2017 को बंद होगा। ये एक फिक्स प्राइस SME IPO इशू है। फेस वैल्यू 10 रुपये प्रति शेयर है और कंपनी ने इसका फिक्स प्राइस 40 रुपये प्रति शेयर रखा है। मिनिमम क्वांटिटी 3000 शेयर की होगी और मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट 1,20,000 रुपये की है। लिस्टिंग इस शेयर की BSE के SME प्लेटफॉर्म पर होगी। कंपनी एक फ्रेश इशू ला रही है 58,44,000 शेयर का, जिसमें कंपनी जुटाएगी 23,38,00,000 रुपये। मार्केट मेकर पोर्शन 3,00,000 शेयर का होगा। रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर 27,72,000 शेयर अप्लाई कर सकते हैं और अदर इन्वेस्टर्स के लिए भी 27,72,000 शेयर सुरक्षित हैं। कंपनी के प्रमोटर्स हैं मिस्टर राहुल मंगल और मिस्टर आशीष मंगल। इन दोनों की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 6.67 रुपये और 14.02 रुपये की है। कंपनी की स्थापना 1984 में एक पार्टनरशिप कंपनी के रूप में हुई थी। उस समय इनका नाम था आशीष फ्लक्सिस एंड केमिकल्स। उसके बाद में उस समय इनके जो पार्टनर्स थे वो लेट श्री के मंगल और लेट श्री अनिल मंगल होते थे। 25 अक्टूबर 1988 को इस कंपनी ने रजिस्ट्रेशन करवाया जयपुर में पार्टनरशिप एक्ट के अंदर। और उसके बाद में ये जो 3 अप्रैल 2007 को इन्होंने एक नई ब्रांच खोली जिसका नाम था डायनेमिक इंजीनियर। और उसके बाद में इन्होंने कंपनी का नाम बदलकर डायनेमिक केबल प्राइवेट लिमिटेड कर दिया, क्योंकि कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट कर दिया गया। 22 अगस्त 2017 को कंपनी को कन्वर्ट कर दिया गया पब्लिक लिमिटेड में और इनका नाम बदलकर डायनेमिक केबल्स लिमिटेड कर दिया गया। स्थापना के समय 3 अप्रैल 2007 को जो इनका पहले कंपनी थी आशीष फ्लक्सिस एंड केमिकल्स और इनकी जो ब्रांच थी डायनेमिक इंजीनियर, दोनों को मर्ज करके कंपनी के जो शेयर हैं 30,00,000 शेयर इनको अलॉट करे गए मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल को सब्सक्राइब करने के लिए। फिर 31 मार्च 2008 से लेकर 28 फरवरी 2014 को कंपनी ने जो फर्दर कैपिटल इशू करी वो फॉर कैश थी और वो भी एट पार। 13 फरवरी 2017 को 7,80,000 शेयर इन्होंने इशू करे आशीष मंगल जी को और 81 रुपीज पर शेयर में, क्योंकि उनका जो लोन था वो इन्होंने कन्वर्ट कर लिया 81 रुपये प्रति शेयर। 28 अगस्त 2017 को बोनस इशू दिया गया एक शेयर 2 शेयर के बदले में, तो काफ़ी इनका रीजनेबल इन्होंने ये सब कुछ करा। कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती है केबल और कंडक्टर्स मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए पावर केबल बनाती है, एरियल बंडल्ड केबल्स बनाती है, एल्युमिनियम कंडक्टर, एल्युमिनियम अलॉय कंडक्टर, एल्युमिनियम स्टील कंडक्टर जो है ये कंपनी बनाती है। और इनकी जो ड्रॉप केबल्स हैं वो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के काम में आती है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। इनकी 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तीनों जयपुर में हैं। और ये जो कंपनी है वो डिज़ाइन करती है, डेवलप करती है, मैन्युफैक्चर्स करती है, टेस्टिंग और सप्लाई करती है केबल्स की। इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज होते हैं इंडस्ट्रियल एक्सपोर्ट टर्नकी प्रोजेक्ट्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इनके जो हैं वो कस्टमर हैं, इंडिया में भी अब्रॉड में भी। और इंडिया से बाहर इनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होती हैं कीनिया, टेंजानिया, टोगो, नाइजीरिया, बेनिन, युगांडा, रवांडा, नेपाल, मॉरिशस, अफगानिस्तान, जॉर्डन और दुबई वगैरह। कंपनी के 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इशू एक्सपेंसेस, जनरल कॉरपोरेट पर्पस और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नज़र डालते हैं। देखिए 31 मार्च 2014 को कंपनी के जो टोटल रेवेन्यू थे वो 199 करोड़ रुपए थे, जो धीरे धीरे बढ़कर 302 करोड़ 31 मार्च 2017 को हो गए। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो 3 साल पहले 31 मार्च 2014 को 1,57,00,000 रुपए था वो 7,92,00,000 रुपए हो गया। और अर्निंग पर शेयर जो इनकी 1.11 रुपये 2014 में थी और 2017 में ये 5.11 रुपये हो गई।
कंपैरिजन अगर हम करते हैं अकाउंटिंग रेशियोज का पीयर ग्रुप के साथ में, तो कंपनी ने चार और नाम दिए हैं जिनके नाम है कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज, KEI इंडस्ट्रीज, यूनिवर्सल केबल्स और हैवेल्स इंडिया। जो चारों कंपनी हैं वो अच्छा काम कर रही हैं। इनके जो PE रेशियोज हैं वो 21 से लेके 58 तक है, जबकि सबसे अच्छी PE रेशियो इसी कंपनी डायनामिक केबल्स की हैं। और इन सब चीज़ों को देखते हुए हम आपको ये कहेंगे कि जैसे कि इनका जो डाइल्यूटेड इक्विटी पे PE रेशो आता है वो केवल 11 आता है, जबकि इंडस्ट्री का जो एवरेज है वो 29 है। तो ये जो इशू है वो रीजनेबली प्राइस्ड है। हम आपको यही सलाह देंगे कि आप ये जो इशू है इसको आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि रीजनेबली प्राइस्ड ये IPO इशू है। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें व्हाट्सअप या जो भी ग्रुप्स हैं आपके पास में, और डिस्क्लेमर पढ़ना ना भूलें।